हैं। कोरोना काल में जो खौफ बना था उसी के चलते अब तक भी कॉलेजों में टीचर्स और स्टूडेंट्स क्लासेस लेने से कतरा रहे हैं। ऐसे में उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने अनूठी पहल की। वे खुद नियमित तौर पर साइंस कॉलेज में विज्ञान के स्टूडेंट्स की क्लासेस ले रहे हैं। कुलपति की इस पहल को जहां खुद व्याख्याताओं ने स्वागत किया है, वहीं स्टूडेंट्स भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह की क्लास का जायजा लिया हमारे सहयोगी रवि शर्मा ने। कोरोना त्रासदी के बाद सरकारों ने कॉलेजेस में कक्षाएं शुरू करने का फरमान जारी किया। हालांकि कोरोना के चलते कई विद्यार्थी और कई शिक्षक दोनों ही इस पूरी व्यवस्था से डरे हुए हैं, लेकिन इस सबके बीच में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ने एक नई शुरुआत की है। प्रोफेसर अमेरिका सिंह खुद जो है अब कक्षाएं ले रहे हैं, एक मोटिवेशन दे रहे हैं उन तमाम विद्यार्थियों के लिए भी और उन शिक्षकों के लिए भी। अभी हम इस क्लास में चलेंगे, उससे पहले सर मैं ही कमिन, आप देख सकते हैं किस तरीके से जो खुद कुलपति हैं वो क्लास ले रहे हैं, और क्लास लेना एक बड़ा मकसद है, एक बड़ा मैसेज है उन तमाम शिक्षकों के लिए जो शायद कोरोना की वजह से थोड़े से डरे हुए हैं, और उन तमाम शिक्षकों के लिए भी वो जो कि कक्षाएं लेने से किनारा करते हैं। एक केमिस्ट्री की अभी क्लास जो है वो खुद कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह ले रहे हैं। आप देख सकते हैं एक बड़ी तादाद में जो बच्चे हैं वो यहाँ पर हैं, विश्वविद्यालय के और कॉलेज के शिक्षक जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। हम कुलपति साहब से सीधे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का उनकी कोशिश जो है वो इस क्लास लेने के पीछे रही है। सर माफ़ी चाहूँगा आपको, क्लास में बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन ये जो आपने शुरुआत करी है इसका क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, क्या मैसेज आप जो है वो देना चाह रहे हैं? देखिए, मैं कोई मैसेज नहीं देना चाहता हूँ किसी को। हम शिक्षक हैं और लगभग 35 साल पढ़ा चुके हैं। हम सुबह हमेशा क्लास लेते हैं और क्लास लेने से हमको एनर्जी मिलती है। और एक शिक्षक जितने अच्छा एक शिक्षक होता है उतने ज़्यादा वो प्रशासक भी होता है। तो ये हमारा जो विश्वविद्यालय सरकार ने बनाया है उसका एक ही उद्देश्य है, क्या है? शिक्षा मिले, बच्चों को शिक्षा मिले, समय से कोर्सेज पूरा हो और समय से परीक्षा हो और उनका रिजल्ट निकले, इस पर हम फोकस दे रहे हैं। और मैसेज हम नहीं देना चाहते हैं, जिसको जो सीखना होगा सीखेगा, हम अपना दायित्व पूरा करें। बिल्कुल, ये एक बड़ा मैसेज भी है और खासकर बच्चों के लिए एक बड़ा मोटिवेशन है कि उनके कुल का मुखिया जो है, विश्वविद्यालय का कुलपति जो है, वो अगर क्लास लेने आए तो कितना अच्छा फील होता है। ये कुछ बच्चे हैं, उनसे बात करने के लिए। बेटा क्या नाम है आपका और कैसे आपको फीलिंग आ रही है जब कुलपति साहब आपकी कक्षा ले रहे हैं? हमें बहुत अच्छा फील होता है, मैं तो स्टार्टिंग से ही हर क्लास अटेंड करी सर ने। एक ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिली, हमारे इसी से हमारी क्लास लेते हैं। तो कुल मिलाकर ना केवल विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है बल्कि उन तमाम शिक्षकों के लिए भी है जो कि नियमित कक्षाएं नहीं लेते हैं, वो इस पूरे व्यवस्था से, कुलपति के इस नए इनिशिएटिव से सीख लें और कक्षाएँ लें ताकि जो उनका मूल कर्तव्य है वो पूरा हो सके और विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के जो मापदंड हैं उनको पूरा करने में एक कामयाबी मिल सके। कैमरा पर्सन प्रकाश के साथ रवि कुमार शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, उदयपुर।